हेलो फ्रेंड्स, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है। उसमें ये बताया गया है कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो कब होगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा। तो दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसमें एक चीज़ और ऐड कर किए हैं, मिड टर्म का एग्ज़ाम। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे और हमने कॉलेज में कुछ डिपार्टमेंट में बात की कि मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो कब से होगा। तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हुई कि मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला था, बट शिबली डे की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया। इसकी वजह से आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो मंथ के, ये जो महीना चल रहा है आपका नवंबर, एकदम लास्ट में या दिसंबर की स्टार्टिंग से आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसकी कोई डेट अभी क्लियर नहीं है। तो दूसरी चीज़, सेमेस्टर एग्ज़ाम कब होगा। एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, मिड टर्म में, मिड टर्म का एग्ज़ाम जो होता है कॉलेज कंडक्ट करवाता है। इसका एग्ज़ाम कॉलेज में होता है, कॉलेज पेपर बनाता है और कॉलेज में कॉपी चेक होती है। तो आपको हर हाल में मिड टर्म का एग्ज़ाम देना ही देना है। फिर हम बात करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम कब से होगा। तो चलिए हम नोटिस की तरफ चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम नोटिस की तरफ आ गए हैं जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है। ये नोटिस कल की है, आप इसमें देख सकते हैं, सेम आपको वही सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और उसके साथ साथ पीजी प्रथम सेमेस्टर, यानी कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। इसमें ईयर वाले एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनकी बात नहीं हो रही, यानी कि फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी बात इसमें नहीं हो रही है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ईयर वाला जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा और उसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से आएगा। तो आप ये देख लीजिए, आप ये देखे होंगे, ये सारी जो नोटिस है ये आप इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, आपको मैसेज भी गया होगा, सारी चीज़ें जो आपने नोटिस ये देखी हुई है, आप लोगों ने इस बारे में थोड़ा पूछा भी था। तो अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। आप ये वाला फिफ्थ पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, जो आपका एडमिट कार्ड है वो 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच अपलोड हो जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और वहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा एग्ज़ाम के लिए। तो मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड नहीं लेके जाना है। अगर आपका मिड टर्म एग्ज़ाम एग्ज़ाम के टाइम हो रहा है तो आप अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल लेके जाएं। अगर एग्ज़ाम से पहले हो रहा है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आपको कॉलेज आईडी हर हाल में लेके जानी होगी। जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी और इसका एग्ज़ाम कॉलेज ही में होगा, इसकी कॉपी यूनिवर्सिटी चेक होगी। तो इतनी सी चीज़ें थी इसमें। और एक चीज़ और ऐड कर देते हैं फाइनल ईयर वालों के लिए। तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होगा, ऐसा अभी पता चला है। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा उसके बारे में बता दें, उम्मीद ये की जा रही है कि नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ किसी भी टाइम आ सकता है, कोई डेट क्लियर नहीं है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम नोटिस के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही।